बेटे को हाथ लगाने से पहले बाप से बात कर। जवान के रिलीज के बाद से ही फिल्म जवान 2 को लेकर कई तरह की खबरें सामने आने लगी थी और अब फाइनली एक बड़ा खुलासा हो गया है जहां पर जवान 2 को लेकर बड़ी बड़ी खबरें सामने आ रही हैं। इस पर मुहर लग चुकी है। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि शाहरुख खान स्टार एक्शन थ्रिलर फिल्म जवान सिनेमाघरों में आते ही छा गई थी। फिल्म ने रिकॉर्ड तोड़ कमाई की थी और अभी भी जवान के भाई चर्चे खत्म नहीं हुए हैं। इटली के निर्देशन में बनी इस फिल्म में किंग खान के अलावा नयनतारा, विजय सेतुपति और सानिया मल्होत्रा समेत कई बेहतरीन सितारे नजर आए थे। स्टार स्टडेड इस मूवी ने टिकट विंडो पर तो बम्पर ओपनिंग की है और अब एक बार फिर से जवान 2 को लेकर बड़ी बड़ी खबरों से फैंस को और भी ज्यादा एक्साइटेड कर दिया है। दरअसल फिल्म में सेकंड पार्ट की एक छोटी सी झलक देखने को मिली थी और एक ऐसा हिंट भी इटली ने सबको दे डाला था, जिसके बाद से ही फैंस इस फिल्म की सेकंड पार्ट यानी कि इसके सीक्वल की कयास लगा रहे हैं। जी हां दोस्तों, जवान ने अपनी एंडिंग के दौरान एक बड़ी अनाउंसमेंट कर डाली थी जहां पर शाहरुख खान के किरदार यानी कि आजाद को अपने अगले मिशन के बारे में एक ड्राइव दी जाती है। दिलचस्प बात यह है कि भाई इससे ये साफ हो चुका है कि भाई सेकंड जो पार्ट है वो स्विस बैंक को लेकर होने वाला है, लेकिन अभी तक इटली ने इस पर मुहर नहीं लगाई है। हालांकि कुछ इंटरव्यूज के दौरान इटली ने कहा कि अगर फैंस और मीडिया ये चाहती है कि भाई ये फिल्म का सीक्वल आए तो जरूर आएगा। इसकी हिंट भी आपको कहीं ना कहीं मिल ही चुकी है। इतना ही नहीं, शाहरुख खान ने एक बार ट्विटर पर आस्क एसआर के सेशन रखा था जिसमें फैंस ने जवान 2 को लेकर भी कई सारे सवाल किए थे और इस पर मजाकिया अंदाज में शाहरुख खान ने कहा था कि भाई आप पहले वाली मूवी देखिए, दूसरी वाली भी हम बना ही देंगे आपकी डिमांड पर। फिलहाल आपका इस वीडियो पर क्या कहना है कमेंट करके बताइए और जवान 2 को लेकर आपकी क्या राय है कमेंट करके बताना बिल्कुल ना भूलें। फिल्म के ट्रेलर और फिल्म के रिलीज डेट की अगर हम बात करें तो माना जा रहा है कि फिल्म का ट्रेलर 2024 के एंड तक आपको देखने को मिलेगा और 2025 तक शुरुआती दौर में ही ये फिल्म आपको बड़े पर्दे पर देखने को मिल जाएगी। इस फिल्म का डायरेक्शन एक बार फिर से ही इटली करने वाले हैं। कमेंट करके बताइए फिल्म जवान 2 को लेकर आपका क्या कहना है।